सुनावट्टी इलाके में एक फायरिंग का इंसिडेंस हुआ था, जिसमें आज़ाद गली करके जो एरिया है वहाँ पे जो फायरिंग हुई थी, उसमें एक जो विक्टिम था जो सुमित था एरुंकर करके, उसकी डेथ हुई। साथ में और चार लोग ये इंजर्ड हुए थे। इस सिलसिले में सुनावट्टी पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302, 307, 120B और आर्म्स एक्ट 325, इसके तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर किया था। ऑफेंस काफ़ी क्रिटिकल था, इम्पोर्टेंट था। इस सिलसिले में हमने जोन 6 से करीब 9 टीम इस टास्क के ऊपर लगाए। 8 घंटे के भीतर हमने 4 जो एक्यूज थे जिन्होंने ये फायरिंग किया था, उन चारों एक्यूज को अरेस्ट किया, जिनके नाम सागर संजय सावंत, सनील उर्फ सनी बाड़ाराम पाटिल, नरेंद्र उर्फ नरया गजानन पाटिल, आशुतोष उर्फ बाबू देवदास गावंड। ये चारों सुनावट्टी इलाके के रहने वाले हैं, इनको हमने अरेस्ट किया। आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने पीसीआर के लिए उनको प्रोड्यूस किया था और 12 दिन का हमें इसमें पुलिस कस्टडी डिमांड मिला है। इस सिलसिले में जो एफआईआर दर्ज हुआ है, इसमें दोनों जो ग्रुप्स थे इनमें कुछ एनिमिटी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, इसके तहत कल का ये जो वारदात है ये वारदात हुई थी। इस सिलसिले में चुनावटी पुलिस स्टेशन की तरफ से हम और तहकीकात कर रहे हैं। जय, इस बारे में हम हर एक एंगल से तफ्तीश करेंगे। चारों एक्यूज हमारे कब्जे में है, साथ में जो विटनेसेस है, जो उसमें विक्टिम भी है, उनसे भी तफ्तीश करेंगे और सभी एंगल से तफ्तीश करके मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल सकता हूँ। अभी फिलहाल एक्यूज 12 दिन की कस्टडी में, आज से मेरा इंट्रोगेशन शुरू होगा, फिर आगे जैसे जैसे इसमें बातें निकलते आएंगी तो ज़्यादा उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इसमें किसी और को भी कोई गोली वगैरह लगी है जैसा फायर होने के बाद, वहाँ से निकलने के बाद किसी को इंजर्ड हुआ है कोई इसमें? और यहाँ पे जो लोग थे उसमें से एक की डेथ हुई और 4 इंजर्ड थे, तो चारों इंजर्ड साइन हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। सही है। इसके बारे में ना तो एफआईआर देते वक्त विटनेसेस या विक्टिम्स ने कुछ बताया, और ये बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है, डायनामिक स्टेज में है, तो मैं भी इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। जो फोटोग्राफी का शॉप था, शॉप के अंदर एक वेपन जो था वो मिला है, हालांकि वो वेपन किसका है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और कितने राउंड फायरिंग हुई है? ये राउंड्स तो कुछ वहाँ पे हमको एम्प्टी केसेस मिले हैं और साथ में कुछ लाइव राउंड भी मिले हैं जो वहाँ पे बिखरे थे, तो कुछ लाइव राउंड और एम्प्टी केसेस मिला के 15 के करीब थे। तो कितना फायर हुआ ये एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, क्योंकि एम्प्टी केसेस और लाइव राउंड दोनों है उसमें साथ में थे। रिसेंटली येरुंकर जो डिसीज्ड है वो छूट के आने के बाद में दोनों में डिफरेंसेस हुए, और ये डिफरेंसेस के वजह से यहाँ पे ये कल वाली जो इंसिडेंस है वो हुआ।